Differential equations have widely applications in engineering mathematics because many physical laws and relation appear mathematical in the form of such equations. यहाँ पर differential equations का हम किस तरह से use कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर simple harmonic motion हो, Newton's law of cooling हो, और heat conduction problem हो, electric रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो ऐसे प्रॉब्लम को जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में है हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन इज. सो वी आर टेकिंग एन एग्जांपल बेस्ड ऑन दीज एप्लीकेशंस. सो हियर वी हैव टेकन एन एग्जांपल बेस्ड ऑन अबव रिटन एप्लीकेशंस. सो द एग्जांपल इज ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास फॉल्स अंडर ग्रेविटी इन ए रेसिस्टिंग मीडियम हुज रेसिस्टेंस वेरीज विद वेलोसिटी. Find the relation between distance and velocity if initially the particle starts from rest. यहाँ लिखा है कि अगर particle का initial velocity means वो start rest से हो रहा है, तो उसकी velocity क्या होगी, उसका relation क्या होगा between distance and velocity. तो suppose करते हैं कि v velocity है जब particle has fallen in time t. t time में जब particle follow हो रही है under gravity from rest, तो इसकी वजह से जो रेसिस्टेंस ड्यू टू द वेलोसिटी है वो के वी पर यूनिट ऑफ मास है, जहां पे के कोई कांस्टेंट है एंड वी वेलोसिटी है. सो हियर वी इज द वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल हैज फॉलन डिस्टेंसेस एट टाइम टी फ्रॉम रेस्ट. तो वेलोसिटी स्टार्टिंग की जीरो है जहां पे टाइम भी जीरो है. इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल इज एम इंटू डीवी अपॉन डी टी, वेयर डीवी अपॉन डी टी इज एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू एम इंटू जी, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम के वी. सो इक्वेशन ऑफ मोशन इज एम डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी. सो एम इज कॉमन एंड देन इट इज कैंसल्ड आउट. सो वी हैव डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू जी माइनस के वी. देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड dv upon g minus kv is equal to integration of dt and 1 upon g minus kv integration is log g minus kv into minus 1 upon k. So this is t plus c1 where c1 is integrating constant. क्योंकि initially velocity 0 है जब time 0 है, तो अगर आप t is equal to 0 और v is equal to 0 इस equation में रखोगे तो c1 की value मिलेगी minus 1 upon k log g. तो यहां से हम अगर ये c1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमारे पास है 1 अपॉन के लॉग g अपॉन g माइनस kv इज इक्वल टू t. v इज ds अपॉन dt, v इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो v इज ds अपॉन dt व्हिच इज इक्वल टू g अपॉन k 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt. तो अगर आप यहां से लॉग g अपॉन g माइनस kv इज इक्वल टू हो जाएगा kt और therefore v इज इक्वल टू, अगर हम यहां से कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा g अपॉन k 1 माइनस e टू द पावर माइनस kt. अब इक्वेशन सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे तो ds इज इक्वल टू दिस वन इंटू dt, इंटीग्रेटिंग ds इज s g अपॉन k t प्लस g अपॉन k स्क्वायर e टू द पावर माइनस kt प्लस c2. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन सेकंड. अब अगर t जीरो है और तब डिस्टेंस भी जीरो है तो c2 की वैल्यू हम यहां से ऑब्टेन कर सकते हैं इक्वेशन थर्ड से, विच इज c2 इज इक्वल टू माइनस g अपॉन k स्क्वायर. देयरफॉर बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, अगर हम c2 की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रखें तो s कैन बी ऑब्टेन्ड एज g अपॉन kt प्लस g अपॉन k स्क्वायर e टू द पावर माइनस kt माइनस 1. दिस इज इक्वेशन फोर्थ. नाउ एलिमिनेटिंग बिटवीन 2 एंड 3 वी गेट, अगर 2 और 3 इक्वेशन को, so then eliminating t from equation 2 and 3 we get s is equal to g upon k square log g upon g minus kv minus vk, which is relationship between distance and velocity.